दिल्ली से आदित्य नागर की रिपोर्ट। गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा एफआईआर दर्ज का यह पूरा प्रकरण है। दिल्ली की रोहिणी क्राइम ब्रांच टीम इस प्रकरण की जांच कर रही है। फोन टेप से जुड़े मुद्दे को लेकर शेखावत ने एफआईआर दी थी और सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा और अन्य के खिलाफ ये एफआईआर की गई थी। अब लोकेश शर्मा ने रिप्रेजेंटेशन दिल्ली क्राइम ब्रांच को भेजा है और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन भी किया है। कहा 20 मार्च को गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिकायत दी थी। रोहिणी क्राइम ब्रांच में 25 मार्च को एफआईआर दी गई थी। दिल्ली में उक्त प्रकरण का क्षेत्राधिकार नहीं है। सीआरपीसी की धारा 177 के अंतर्गत केस राजस्थान में ही फाइल होगा और इसको वहीं पर ट्रांसफर किया जाएगा। सहयोगी और दिल्ली से न्यूज एडिटर मेरे साथ आदित्य नागर जुड़ चुकी है। आदित्य, जिस तरह से पहले भी पूरी बात लगातार कही जा रही थी कि केस को राजस्थान में ही फाइल करना चाहिए था, और अब लोकेश शर्मा ने जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें भी उन्होंने पूरे तरह से अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है और यही बात कही है कि इसका क्षेत्राधिकार दिल्ली में नहीं बल्कि राजस्थान में है। बिल्कुल, देखिए, जो ये रिप्लाई दर्ज होने की बात थी, रिप्लाई में उन्होंने प्रेजेंटेशन दी गई है और ये बड़ा मामला राजस्थान को लेकर है क्योंकि ये मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा की बात है। और आपको पुराना अगर बैकग्राउंड दे तो ये बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी और दिल्ली की रोहिणी क्राइम ब्रांच को पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद ये क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई। और फोन टेप से जुड़े मुद्दे को लेकर शेखावत ने एफआईआर जब दर्ज कराई तो सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा और अन्य के खिलाफ एफआईआर थी। अब जब ये प्रेजेंटेशन दी गई तो उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले तो कि ये मामला जो है जयपुर में होना चाहिए, और इसके अलावा उन्होंने एक और बात का यहाँ पर जिक्र किया। कहा लोकेश शर्मा ने कि लक्ष्मीकांत भारद्वाज इसी प्रकरण का एक मामला है, जिसका उदाहरण देकर कहा कि ऐसे ही तथ्यों को लेकर इसी प्रकरण में भाजपा के लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने जयपुर के कोर्ट में भी पेश किया है परिवारवाद, और कोर्ट ने अशोकनगर थाना पुलिस को दे रखे हैं जांच के आदेश। दिल्ली पुलिस को राजस्थान में लंबित मामलों की जांच प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, ये बात भी उस प्रेजेंटेशन में लिखी गई है। और जुलाई 2020 की जो घटना है, 2020 की घटना को लेकर 7 माह देरी से दर्ज कराई गई है ये एफआईआर, और लोकेश शर्मा ने इस ज्ञापन के प्रति क्राइम ब्रांच दिल्ली के अलावा डीजीपी को भी ये तमाम चीजें लिखी है। और यही रिक्वेस्ट उसमें किया गया है कि पूरा मामला क्योंकि राजस्थान का है तो इसको राजस्थान में ही रखना चाहिए, इसको ट्रांसफर राजस्थान में कर देना चाहिए। और दूसरा, जो लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने जो परिवारवाद दर्ज कराया है उसमें क्या निकल कर आता है, उसमें क्या जांच होती है, तमाम आदेश दिए गए हैं, उसका क्या रिजल्ट आता है, उसका भी इंतजार करना चाहिए। प्रेजेंटेशन उन्होंने दी है और जाहिर तौर पर तमाम सारी बातों में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पूरी तरीके से जो मेरे पे आरोप है, एफआईआर है, वो बेबुनियाद है और इन सारे जो आरोपों का उन्होंने खंडन किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्होंने इस जो एफआईआर जो दिल्ली में है उसका ट्रांसफर जयपुर करने की बात की है। तो एसडी लोकेश शर्मा ने तमाम आरोपों को अब खंडन कर दिया है, निराधार बताया। देती तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।